जनता वॉन्ट्स टू नो डेट वॉट इज योर रिलेशन बिटवीन एल्विश यादव का इंस्टाग्राम देखे या फिर एल्विश यादव के यूट्यूब वीडियो देखे तो आप और एल्विश यादव एक दूसरे के यूट्यूब वीडियोज में छाए रहते हो, तो इससे सबको दिख रहा है कि आपकी दोस्ती कितनी स्ट्रांग है, आपका बॉन्ड स्ट्रांग है। आप देख रही है इंडिया 24/7 और मैं हूँ आपके साथ सिमरन कहा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चाहत यादव जो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, एक्टर है और एक मॉडल भी है। हाई, हाउ आर यू? तो चाहत, मैं आपसे सबसे पहले इस शूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। तो आप पहले आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिल्म जायंट के साथ काम करके? अभी तक तो जितना शूट किया है, चीज़ें करी हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और अभी रहता है आधा शूट करना है, चीज़ें हैं, देखो कब ख़त्म होता है, बट जितना भी एक्सपीरियंस किया जब से सुबह से आई हूँ बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप क्या हमारी ऑडियंस को आपके जो स्ट्रगल के बारे में बताएंगे कि आप यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुँचे? यार, स्ट्रगल तो कुछ नहीं होता, स्ट्रगल तो अभी ये है कि जो करना है वो रहता है, तो स्ट्रगल तो चल ही रहा है। और स्ट्रगल ना एक बारी समझ में आ जाता है कि ठीक है, हमें शुरू में स्ट्रगल लगता है, बट बाद पहले जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं ना तो वहाँ पे पहुँच के लगता है कि जो हुआ जैसे हुआ ना सही हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ से हम कुछ सीख के निकलते हैं। तो स्ट्रगल नहीं बोलूँगी, ठीक है, मेरे को लगता है जो भी देखा, अच्छा देखा बुरा देखा, वो देखना ज़रूरी था, तभी जितना भी अभी तक मिला है मेरे को वो उसी की वजह से मिला है। तो सबसे पहले जनता वॉन्ट्स टू नो डैट वॉट इज़ योर रिलेशन बिटवीन एल्विश यादव? वो मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है। okay. बस ये मैंने हर इंटरव्यू में बोला है, सबको पता है, क्योंकि हर जगह अगर हम यूट्यूब में चाहत एंड एल्विश यादव सर्च करेंगे तो सबका ये रहता है कि उनके गूगल सर्च में ये रहता है कि एल्विश यादव और चाहत का क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैं एक्सप्लेन ये करूँगी, यूट्यूब पे आर्टिकल्स और वो चीज़ें लोग इसलिए बनाते हैं, नहीं लिखेंगे तो लोग देखेंगे कैसे, उनका काम कैसे चलेगा। जैसे हम मैं कुछ पोस्ट करूँ तो ऑब्वियसली मैं भी कुछ ऐसा डालूंगी कि लोग मेरी वीडियो देखें, तो वो भी डालते हैं। और लिंकअप सिर्फ उसके साथ नहीं, अगर कल को मैं किसी और के साथ भी काम करना स्टार्ट कर दूँगी तो उसके साथ भी हो जाएंगे, और उसका नाम सिर्फ मेरे साथ नहीं, जिसके साथ काम करता है जोड़ देते हैं। तो लोगों को ना काम है, किसी का नाम किसी के साथ भी ऐसे जोड़ देते हैं, बट हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब अगर जैसे कि आपका इंस्टाग्राम देखे या फिर एल्विश यादव के यूट्यूब वीडियो देखे तो आप और एल्विश यादव एक दूसरे के यूट्यूब वीडियोस में छाए रहते हो, तो इससे सबको दिख रहा है कि आपकी दोस्ती कितनी स्ट्रांग है, आपका बॉन्ड स्ट्रांग है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आपने यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया है वो लाइक क्या दिमाग में सोच कर आपने स्टार्ट किया है? मुझे एक्टिंग का शौक था, और मैं जब अपने आसपास, पहले मैं कह रही हूँ ना, जैसे मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें मुंबई में ही होती है, बट जब मुझे पता चला, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी, हमारी कास्ट सेम थी, तो मैंने सबसे पहले उसको मैसेज किया, सारी चीज़ें हुई, और जो चीज़ लिखी होती है भगवान जो चाहता है वो हो जाता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते सीखा है मैंने, सीखते सीखते, क्योंकि जब मैंने वहाँ जाके काम करना स्टार्ट किया तो ऑलरेडी वो बहुत बड़ा नाम हो गया था कि है, तो उस हिसाब को, मतलब उस चीज़ को मैच करना, तो मतलब परफेक्ट देना, तो उस चीज़ की थोड़ी मेहनत करी है, बाकी तो अच्छा चल। अगर मैं आपके YouTube वीडियोस और आपके व्लॉग्स की और Instagram की रील्स की बात करूँ तो आप देखा जाए तो पूरे ऑलराउंडर हो, और आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपको ये सबसे इंस्पिरेशन कहाँ से मिले? एक्चुअली व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मैं थी ऑलराउंडर, तो मेरे को शुरू से यही था, जब सब पूछते हैं ना कि क्या करना है क्या करना है, तो शुरू बचपन में तो ये सबको रहता है, डॉक्टर बन जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट जैसे जैसे बड़ी हुई चीज़ों में ये हुआ, मुझे लगा कि नहीं, मेरे को एक्टिंग और ये सब करना है, क्योंकि मैं ये ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ और ये बेस्ट है। बट अब ये होता है कि इतनी जल्दी से आपको कोई चीज़ मिल नहीं पाती, क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगता था ये डिफ़िकल्ट है, ये सारे काम मुंबई में होते हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि हम चंडीगढ़ या फिर खुद से कर लेते हैं, बट जब से इतनी चीज़ें डिजिटल हुई हैं, जैसे YouTube प्लेटफॉर्म हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, तो उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। बट मेहनत तो देखो हर जगह लगती है, तो मेहनत करी है, बट अभी मैंने, मुझे ऐसा लगता है जो मैं अचीव करना चाहती हूँ उसका 30% ही गया है, तो भी रहता है। आपसे लास्ट क्वेश्चन है, अगर कोई स्ट्रगलर एक्टर हो जो एकदम फ्रेशर हो तो आप उसको क्या सजेस्ट देना चाहोगे इस एक्टिंग की दुनिया में? मैं सबको यही एक सजेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़, मैं सबको बताती भी हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि प्लीज़ किसी भी गलत जगह मत पड़ना, या फिर अगर आपको कोई मतलब फेक ऐसे बोल दे कि आपको इससे पैसे मिल जाएंगे उससे पैसे मिल जाएंगे, पहली बात तो मैं ये बताऊँ कि जितनी मेहनत करोगे ना शुरू में 2-3 साल उतना ही अच्छा आपके पास बैक हो के आएगा, बट प्लीज़ इतनी जल्दी ये मत सोच लेना कि आपके पास बहुत जल्दी पैसा
इतनी जल्दी ये मत सोच लेना कि आपके पास पैसा और फेम दोनों चीज़ आ जाएंगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है। अगर आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला भी देख रहा है, भगवान भी बैठा है, वो भी देखता है कि भाई ये बंदा, ये बच्चा मेहनत कर रहा है, तो वो उनको उतना देते हैं। बट इतनी जल्दी में होपलेस होके कोई अपनी चीज़ें मत बदल लेना। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको यही करना है तो आप यही करना, मेहनत लगेगी। मैं भी कह रही हूँ 2 से 3 साल लगेंगे, बहुत कम लोगों की लाइफ में होता है कि एकदम से हो जाता है, बट जिसकी लाइफ में 2 से 3 साल लगते हैं ना, वो ज़िंदगी भर के लिए ना चमक के बाहर आता है।